दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में पकौड़ों की तो बात ही अलग होती है। इसलिए आज मैं बना रही हूँ लौकी के पकौड़े। लौकी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने आधे किलो लौकी लिया है और उसे कद्दूकस करके इसमें से पानी निचोड़ के निकाल ली हूँ। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स कर रही, एक चम्मच मैंने चाट मसाला डाला और ये मैंने दो तीन हरी मिर्च डाल रही, इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सफ़ेद नमक डालूंगी और ये मैंने एक चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया। ये हम 200 ग्राम के लगभग बेसन ली हूँ। अब मैं ये बेसन पूरा मिक्स इसमें कर रही। इन सारी सामग्री को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसमें सारे मसालों अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बाकी का भी बचा हुआ बेसन डाल के मैं इसको मिक्स कर लूंगी। सारी सामग्री मिक्स हो जाने के बाद ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है। एकदम गरम तेल में मैं इस मिक्सर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रही हूँ। पकौड़ों को क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करें। फ्राई हो जाने के बाद पकौड़ों को निकाल लें और ये रही गर्मा गर्म लौकी के पकौड़े। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।